Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel, NS Enlights. It's 22nd of November morning class. Let's start discussing with paper 4. आज हम ethics का एक paper है, question है, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा lengthy नहीं होगा हर रोज़ की तरह. So, आपके लिए writing में easy होगा. उससे पहले आप मेरे channel को subscribe कर लीजिए, अदर मेरे social media handles पे follow कर लीजिए. Right, चलिए start करते हैं आज का question. What does the given quotation desire, ignorance and inequality? This is the trinity of bondage mean to you in the present context? हमें एक ऐसे ही ethics में बहुत सारी quotations आपको मिलेंगी. आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप ethics का अपने notes बना रहे हैं तो उसमें ऐसे कीजिए कि जितने भी आपके important personalities हैं, like स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी especially, नेल्सन मंडेला, आपके बुद्धा, आपके जो भी आपको लगे बहुत ही important है, तो उनकी आप कुछ quotation रख लें, क्योंकि कई बार quotation पे question directly आ जाते हैं, आपको उनका meaning अच्छे से clear होना चाहिए. So इसी तरह इस quotation का meaning हम इस question में discuss करेंगे. Desire होता है पहले, देन इग्नोरेंस हम करना स्टार्ट करते हैं, देन इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है. राइट, सो ये आपका मीनिंग है. अप्रोच इसके लिए बहुत सिंपल है. रेलिवेंस हम बता देंगे, गिवन थॉट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कंक्लूड सुटेबली, बहुत ही सिंपल है. देन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. द ट्रिनिटी ऑफ बॉन्डेज इज अ चेन कंप्राइजिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर इग्नोरेंस एंड इनइक्वालिटी एज थ्री ऑफ इट्स लिंक्स ईच लीडिंग टू द नेक्स्ट इन अ विशियस साइकिल. देखो पहले विशेष साइकिल क्या होता है, जो साइकिल चलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता है, लाइक दिस. हाँ, ये अपने आप में ऐसे ही घूमता रहता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. सपोज पहले डिजायर क्रिएट होगा किसी भी चीज का आपका सोसाइटी में. राइट, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, आपका प्लेजर के लिए डिजायर क्रिएट होता है, देन आपका इग्नोरेंस स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, सोसाइटी के लिए, देन आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर देते हैं. राइट, सो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है. तो कहने का मतलब ये विशेष साइकिल है, चलता रहता है हमेशा, कभी रुकता नहीं है. दिस ट्रिनिटी ऑफ बॉन्डेज पाइंस अ पर्सन टू हिज पर्सनल कॉज बाय बीइंग अ स्लेव टू डिजायर्स. पहले हम स्लेव बनते हैं डिजायर्स के. राइट, इग्नोरेंस एंड इनइक्वालिटी. फिर हम देखो, अगर स्लेव बनना स्टार्ट हो गया तो इग्नोरेंस का भी हम जब वो प्रोसेस ही है तो हम उसका स्लेव हमको बाय डिफॉल्ट बनना ही पड़ता है, देन इनइक्वालिटी क्रिएट होना ही होता है. राइट, द पर्सन मे फेल टू डायरेक्ट हिज फुल एंड कंप्लीट डेडिकेशन टू द सोसाइटी एंड जस्ट थिंक फॉर सेल्फ गेन. राइट, आप ये मत सोचिए कि आपके लिए पर्सनली ये क्वेश्चन आपको गाइड करने के लिए, ये आपको बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपके लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, आपके जो एथिकली आप में कौन कौन सी क्वालिटीज है जो इम्पोर्टेंट ग्रो करनी चाहिए, ये उसको ही याद दिलाता है क्वेश्चन आपको. और इसी तरह से आपका सेल्फ गेन आपको ध्यान नहीं रखता है, जब आप ध्यान नहीं रखना है जब आप पब्लिक सर्विस में आते हैं. राइट, पब्लिक सर्विस में आपको अपने सेल्फ का ध्यान नहीं रखना है, आपको हमेशा सोसाइटी का ध्यान रखना है कि क्या ऐसा कॉज होगा, क्या ऐसा हम जो हमारे इम्प्लीकेशन होंगे वर्क की, वो कितना इफेक्ट करेगा सोसाइटी को. देन कम्स टू द बॉडी पार्ट, रेलिवेंस ऑफ द कोट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. जैसे कि क्वेश्चन में हमने बताया कि इसको कॉन्टेक्स्ट पूछा है इसका, तो हम बताएंगे. लीड्स टू द इनर फ्रीडम. राइट, सो ये कैसे इनर फ्रीडम को लीड करता है, ये जो है पहले आप डिजायर होगा, फिर आपका इनइक्वालिटी होगा, फिर आपका राइट जो ये कोटेशन था आपका डिजायर इग्नोरेंस देन इनइक्वालिटी. राइट, सो ये आपका कैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में ये आपके इनर फ्रीडम की तरफ लीड करता है. दिस प्रोफाइंड मैसेज फ्रॉम स्वामी विवेकानंदाज राइटिंग. ये जो कोट था ये विवेकानंदा जी का राइटिंग से कोट है. प्रोवाइड्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द डायमेंशन ऑफ इनर फ्रीडम. इट अर्जेस वन टू टेक कंट्रोल बट नॉट टू बी स्लेव ऑफ ट्रिनिटी. देखो हमें जो अपने डिजायर है उनको हमें रखना है, डिजायर होना जरूरी है बींग अ पर्सन, बींग अ सिविल सर्वेंट, बट आपको उनका स्लेव नहीं बनना है, आपको डिजायर के लिए ही नहीं जीना है. राइट, आप डिजायर आपके लिए थोड़ा टाइम के लिए जरूरी हो सकती हैं, आपके लिए बहुत लिमिटेड वे में जरूरी हो सकती हैं, बट आपको उनका स्लेव नहीं बनना है. ओवर अवरसेल्स एंड रीडायरेक्ट आवर एफर्ट्स टू अ हेल्दी लाइफ. राइट, सो आपका ये जो हेल्दी लाइफ के लिए आपका जो एफर्ट है वो बहुत ही सीधे रास्ते में जाएगा अगर आप अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट
स्टार्ट कर देंगे। सेम विद द बुद्धा, बुद्धा ने भी तो यही बोला है कि आप अपना जो डिजायर है उसको कंट्रोल कीजिए, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, सॉरो है, सब खत्म हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनकी कोटेशन, उनके जो व्यू पॉइंट है ना, उनका जो मैसेज देते हैं वो सोसाइटी के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आप उस पर नोट्स जरूर बनाइए, राइट। इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज अ ब्लिस, ब्लिस मतलब आपकी एक तरह से बहुत ही अच्छा, राइट, आपके लिए बहुत अच्छा होना। सो इग्नोरेंस हमेशा ही अच्छा नहीं होता है। इट इज सेड दैट इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बट इन पब्लिक सर्विसेज आप इग्नोर देखो कर सकते हैं। जैसे आप पर्सनल है, बींग अपनी इंडिविजुअल की लाइफ में अगर आप में आप इग्नोर करना चाहें तो आपको सिर्फ आपको इम्पैक्ट होगा उसका, राइट, सिर्फ आपको ही उस पर उसका फर्क पड़ेगा। बट आप बींग अ सिविल सर्वेंट अगर आप कोई चीज इग्नोर करते हैं, बींग अ पब्लिक आइडेंटिटी, जो आप किसी बड़ी पोस्ट होते हैं, किसी बड़ी जगह पे होते हैं, अगर आपने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान से इग्नोर करना भी आना चाहिए कि आपको इग्नोर कैसे करना है, और इग्नोर भी ऐसे करना है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी चीजों को ही इग्नोर करना है। इट इज सेड दैट इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बट इन पब्लिक सर्विस बीइंग अनइंटरेस्टेड टू पीपल्स डिमांड एंड डूइंग nothing would not be ethically and morally right. Of course, आप जिसके लिए आपकी जो ड्यूटी है, आप उस ड्यूटी को करने गए हैं और आप स्टार्ट कर दें इग्नोर करना, तो आप तो एकदम अगेंस्ट हो जाएंगे आपको जो ड्यूटी करने के लिए दी गई है, राइट। आपकी जो बींग पब्लिक सर्वेंट, आपकी जो राइट, जितने भी आपकी मॉरली और एथिकली जो राइट है वो गलत हो जाएंगे, राइट। अ सेल्फ डिजायर एंड इग्नोरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय पॉलिटिकल लीडर्स विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड एनार्की इन द कंट्री। एनार्की मतलब सिर्फ एक का रूल और हमेशा वही रूल चलता रहे, राइट, नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबका रूल होता है। डेमोक्रेसी मीन्स जो आप हैं आप खुद से अपना अपने पे रूल करेंगे, मतलब आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर आप से खुद पे रूल करते हैं, राइट। एनार्की में क्या होता है, कोई एक पर्सन, जैसे पहले कोई एक राजा लगा लीजिए, पहले जमाने में होता था राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसी का बेटा, वही फैमिली, वही जगह, मतलब एनार्की का मतलब समझ गए होंगे आप, राइट। सो एक सेल्फ डिजायर एंड इग्नोरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय पॉलिटिकल लीडर्स, अपना जो पॉलिटिकल लीडर्स होते, जो नेता लोग होते हैं, उनका क्या, उनका अपना सेल्फ डिजायर, अपनी सेल्फ के लिए वो सोचना शुरू कर देते हैं, जब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं वेलफेयर को, राइट, वेलफेयर मतलब स्टेट के लिए जो काम करना है हमको, हमको लोगों की भलाई के लिए जो काम करना है उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम एकदम फॉल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और फिर वो एनार्की की तरफ चला जाएगा, मतलब कि सिर्फ एक ही आदमी रूल कर रहा है, अपने बारे में ही सोच रहा है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, द हाई इनकम एंड सोशल इनइक्वालिटीज फिनोमेनन एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी सोसाइटीज एंड कंट्रीज में लीड टू डिसकंटेंट अमंग द पुअर एंड दोज हु आर द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द हु आर द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, राइट। जो हाई इनकम होती है सोसाइटी में, सोशल इनइक्वालिटी होती है, ये आपका बहुत सारी सोसाइटी में फेस की जाती है कि आपका जितना हाई इनकम होता है उतना ज्यादा इनइक्वालिटी आप क्रिएट करते हैं। अमंग द पुअर हु दोज हु आर द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो सबसे कम स्ट्रेटा पे, जैसे हम मैंने बताया था वर्ना सिस्टम में अगर हम शूद्रा की बात लें तो सबसे लोअर स्ट्रेटा पे हैं वे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हाई इनकम सिर्फ एक ही पार्ट तक जो है कैप्चर्ड रह जाएगी, ठीक है। So, ये इनइक्वालिटी पैदा करेगा। सच डिसकंटेंट अमंग द सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे अल्टीमेटली लीड टू मैल फंक्शनिंग एंड करप्शन। ऑफ कोर्स करप्शन होगा क्योंकि एक ही जगह पे अपना अगर आपका वेल्थ है जो वो आपका स्टोर हो जाएगा तो वहीं पे आप अपना ही फेवरेटिज्म एक तरह से बढ़ने लगता है। मतलब जैसे सपोज मैं बींग एन IAS, मेरे पास बहुत पैसा है, या मैं नेता हूँ तो नेता के पास बहुत पैसा है, तो आप क्या करेंगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आप उन्हीं के लिए ही सोचेंगे। आपका कोई फैमिली जो आपसे बिलोंग करता है, रिलेशन में कोई है, आप उन्हीं को ही जॉब दिलाएंगे, आप उन्हीं को ही कोई सपोर्ट करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे, राइट, इस तरह से। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो अगर फेवरेटिज्म तब जरूरी हो जाता है, सॉरी जरूरी नहीं, मतलब क्रिएट हो जाता है फेवरेटिज्म जब वेल्थ एक जगह पे क्रिएट स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वहां तक ये वेल्थ को पूरा पहुंचाना ऊपर से नीचे तक इक्वली, ये किसका काम है, ये पब्लिक सर्वेंट का काम है, मतलब पब्लिक के लिए आप सर्विस कर रहे हैं, आपको कोई
लग्जरी नहीं मिलेगी वहां पे, बट आपको सर्व करना पड़ेगा। ये आप अपने माइंड में रखिए, आप अगर अपने लिए सोच रहे हैं कि हम अगर फ्यूचर में अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो फिर हम अपने लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम खूब पैसा जुटाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस कीजिए, राइट? पैसा बिजनेस में मिलता है। आपको गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी मिलती है और आपको उल्टा डेडिकेट होके काम करना पड़ता है सोसाइटी के लिए। आप उसमें करप्शन का स्कोप नहीं रख सकते। फंक्शनिंग राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट ओनली एम एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बट ऑल्सो एंडेवर टू अटेन इक्वालिटी एंड इक्विटी, राइट? सो इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस, आई होप आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट? सो पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं ये आपका एफिशिएंसी को बढ़ाने में, सही तरह से काम करने में ये उनका काम होना चाहिए, ना कि करप्शन को बढ़ाना। वी सी पीपल केयरिंग फॉर न्यूमरस फिजिकल एमिनिटीज एंड मटेरियल थिंग्स बट फुलफिलमेंट ऑफ सच मटेरियल डिजायर्स डज नॉट इंश्योर मेंटल वेलबींग। देखो हमने लोगों को देखा है कि अपना फिजिकल और जो मटेरियल थिंग्स, मटेरियल मतलब आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं एक तरह से, उसको हम मटेरियल बोल सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा घर, जो आप नॉर्मल जो फ्रिज है आपका, की गाड़ी होना चाहिए आपके पास, इतना बड़ा घर होना चाहिए, दैट मींस यू आर सक्सेसफुल, दैट मींस यू आर हैप्पी। तो ये आपका जो मीनिंग है सक्सेस का, हैप्पीनेस का, ये कई बार गलत हो जाता है। अगर आप सिर्फ अपनी ही डिजायर फुलफिल करने में लग जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देगी, राइट? सो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर इन पब्लिक सर्वेंट्स कैन लीड टू करप्शन, फेवरेटिज्म एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, राइट? सो अगर पब्लिक सर्वेंट में स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर ये सब चीजें फिर वहां पैदा हो जाती हैं। करप्शन होगा, फेवरेटिज्म होगा, आपको पता है रेड टेपिज्म होगा, मतलब आपका जो आप ही के नेपोटिज्म होगा, आप जो आप ही के पता है फैमिली से रिलेटेड है, आपके रिलेशन में है, उन्हीं को आप फेवरेटिज्म उनके लिए देंगे और आप उनके लिए काम करेंगे, तो ये सब चीजें क्रिएट हो जाएंगी अगर आपका डिजायर आप बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट अपने बढ़ा लेंगे या क्रिएट कर लेंगे। देन कम्स टू द कंक्लूजन पार्ट। इफ यू थिंक दैट यू आर बाउंड, यू रिमेन बाउंड, यू मेक योर ओन बॉन्डेज। इफ यू नो दैट यू आर फ्री दिस मोमेंट, राइट? दिस इज नॉलेज, नॉलेज ऑफ फ्रीडम। वी हैव टू कम आउट ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब बंधुआ, बंधुआ मजदूरी हम बॉन्डेज लेबर बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? देन कि आप अगर एक बार उसमें स्टार्ट हो गए, अगर आपके पास टाइम हो आज थोड़ा सा भी, तो उसमें ये इस हार्डली टेक यू हाफ एन आवर, जस्ट गो एंड वॉच सवा शेर गेहूं, राइट? सवा शेर गेहूं, ये आपका प्रेमचंद जी का एक स्टोरी है, विलेज लाइफ से रिलेटेड। आपको पता है प्रेमचंद जी बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, तो एक बार ये सवा शेर गेहूं देखिए, आपको बॉन्डेज लेबर क्या होता है ये समझ आ जाएगा, ठीक है? अब यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, राइट? सो एंड फ्री आवरसेल्व्स टू मेक अ पीसफुल सोसाइटी। मतलब आप जब स्टार्ट करते हैं डिजायर करना अपना, तो वो आप उस बॉन्डेज में, उस ट्रिनिटी में, उस विशेष साइकिल में आप बंध जाते हैं। डिजायर होगा आप में क्रिएट होगा, आप सोसाइटी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो ये इनइक्वालिटी फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये विवेकानंद जी का आई थिंक ये जो कोट है ये आपको अब समझ में आया इसका मीनिंग, कि मैं क्या कहना चाहती थी। अगर आपका डिजायर है, डिजायर क्रिएट हुआ, तो डिजायर में क्या होगा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों को इग्नोर करेंगे, तो इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाएगा, राइट? इग्नोरेंस स्टार्ट हो गया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनइक्वालिटी। मतलब वेल्थ सिर्फ आपके पास क्रिएट रह गई, आप दूसरों को, दूसरे जो नीचे नीचे वाले लोग हैं, लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, वो आपके साथ इक्वल नहीं है। मतलब आपने इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी, इक्वालिटी और इक्विटी का ध्यान नहीं रखा सोसाइटी में। सो ये इस कोटेशन का पूरा मीनिंग था। आप इसको एक दो बार जरूर पढ़िए, मैं आपको इसका पीडीएफ शाम तक दे दूंगी, आई होप, राइट? सो ये मैंने बोला है, ये स्टोरी जरूर देखना आज, राइट? आपको समझ आ जाएगा बॉन्डेज लेबर का कितना बड़ा एक तरह से हमारे पास पुराना, जो पुराने टाइम में और पुरानी इंडियन सोसाइटी में हमारे पास कितना बड़ा सोसाइटी में गलत तरीका था ये, ठीक है, राइट? तो एक तरह से ये आज पेपर फोर एथिक्स का ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। कोटेशंस में कभी कभी लेके आती रहूंगी, राइट? सो कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। थोड़ा मैंने जल्दी इसको कवर करने का कोशिश किया, बिकॉज रेगुलर क्वेश्चन ज्यादा बड़े हो रहे थे, ठीक है? सो कभी कभार ऐसे भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।